अभी तक हम लोग आपके मई महीने तक की, यानी कि जनवरी से लेकर मई तक की सभी जो महत्वपूर्ण दिन हैं और जिस रूप में मनाए जाते हैं उन सब के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, तो याद रखिए जितनी भी क्लासें ली जा रही हैं आपकी, ये आपकी वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। और साथ में आप देखेंगे स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम लोग इसमें मतलब स्थायी आंकड़े देख लेते हैं और करंट से जो बढ़ते बदलते रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब आप देखते हैं थीम हर साल बदलती रहती है, कुछ और पॉइंट जुड़ते रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आगे जब भी करंट बात करेंगे, जैसे 2020 का देखेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, 2021 में हम लोग कवर कर लेंगे, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, एक बात और आप याद रखिए, देखिए मैं जितना मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण है उतने हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई छूट रहा है तो इसीलिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है कि आप नीचे लिख दिया करिएगा, कि आपको लगता है आपको ज्यादा जानकारी है तो आप नीचे लिख दिया करिएगा। ठीक है, एक परिवार की तरह मुझे लगता है कि आपको लिख देना चाहिए कि जो भी छूट रहा है, किसी को कोई भी आता है अपना दोस्त या परिवार का मेंबर तो वो आराम से देखता रहे। ठीक है, तो जून महीने के महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं और दिवस जिस रूप में मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस आप देखेंगे 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस आप देखते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूध के उत्पादन में बढ़ाने व शुद्ध दूध के प्रचार प्रसार के लिए यह विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध दूध का उत्पाद किया जाता है। दूध में पौष्टिक तत्व व दूध की प्रामाणिक शक्ति के प्रसार के लिए इस विश्व दूध दिवस को मनाया जाता है। याद रखिए 2001 में, ये 2001 से लगातार हर वर्ष 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसकी 2001 में शुरुआत हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो पूछ लेता है कई बार कि कब से शुरू किया गया था, 2001 से। सर आपका 1 जून को ही वास्तुकला दिवस भी मनाया जाता है, 1 जून को ही वास्तुकला दिवस भी मनाते हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे कि वालियातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आपका 4 जून को मनाया जाता है। 4 जून को क्या मनाते हैं, बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आप देखेंगे 4 जून को ही तिया नानमेन स्क्वायर विरोध दिवस मनाया जाता है। तिया नानमेन स्क्वायर विरोध नरसंहार वर्ष 1989 में चीनी सैनिकों ने लोकतंत्र प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के उपलक्ष्य में हर साल 4 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्तर पर ट्रैंक मैन नामक व्यक्ति की यादगार को बनाए रखने के लिए भी मनाया जाता है, जो चीनी सैनिकों के सामने बिना किसी हथियार के खड़ा हुआ था। ध्यान दें कि इस दिवस को आज भी 4 जून की घटना के नाम से भी चीन में इसे जानते हैं, 4 जून की घटना। आप देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून, ये बहुत सरल है लेकिन पूछ लेता है कई बार, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व स्तर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के लिए एक वैश्विक पहल है। वर्ष 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उपलक्ष्य पर चिन्हित किया गया था, जिसके तहत पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। ठीक है, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। एक तरह से आप कहिए कि इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को बचाने की। देखिए इस पर पर्यावरण पर पृथ्वी पर प्रकृति के जो भी संसाधन है इस पर हमारा अभी उतना ही है कि जो ये किसी आप कहिए छोटे से जीव का है, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि मानव ने सबसे ज्यादा इससे नुकसान भी पहुंचाया है। अभी आप देख लीजिए गाय रख के देख लीजिए, कुत्ते को पाल के देख लीजिए आप लोग, वो अपना धर्म अपना कर्तव्य पूरा निभाते हैं, उनके अंदर कोई ज्यादा लालच भी नहीं रहती, लेकिन हमारे अंदर इतनी लालच देखते हैं आप लोग कि हम लोग किस तरह से वनों को उजाड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका प्रभाव भी देखा जाता है, आप देखते हैं आए दिन सुनते तो रहते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, दुर्घटना हो रही, ये घटना घट रही है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब बदला लेने की ऊपर वाले की जब लाठी चलती है तो वो किसी को नहीं बख्शता है। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण को, जब तक पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब तक वो जवाब नहीं दे रहा है, अच्छी बात है, जब उसने जवाब देना शुरू किया तो किसी लायक भी नहीं छोड़ता है हमें। तो इसलिए जब भी अपने जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो इस तरह के आप लोग पेड़ लगा सकते हैं अपनी यादगार में। ठीक है, फिर आप देखेंगे 5-8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है।
विश्व महासागर यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे आप देखेंगे, ये 8 जून को मनाया जाता है। हर साल 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस विश्व समुदाय को महासागरों के संबंध में विश्व समुदाय के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में वैश्विक जानकारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प 63/111 को पारित कर मनाया था। ठीक है, एक और बात याद रखिए, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा देश एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा हुआ है, भारत के नाम पर। 8 जून को ही आप देखेंगे कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। 8 जून को ही आप देखेंगे विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस के बारे में अगर पूछे आपसे, तो 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को, सॉरी माफ करिएगा, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाते हैं। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाते हैं। फिर आप देखेंगे कि दृष्टिदान संकल्प दिवस, ये आप देखेंगे 10 जून को मनाया जाता है। दृष्टिदान संकल्प दिवस कब मनाते हैं? 10 जून को। दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की दृष्टि नहीं है, जिसके कारण वे लोग इस सुंदर दुनिया को देख नहीं सकते हैं। यदि कोई दानवीर व्यक्ति अपनी आंखों को दान करे, तो एक व्यक्ति की दो आंखों में से दो व्यक्तियों की दुनिया को देखने का मौका मिल सकता है। विश्व में दृष्टि दिव्यांगों को समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें कि दृष्टि दान करने के लिए दानी व्यक्ति जीवित अवस्था में दृष्टि दान का एग्रीमेंट करता है। जब भी वह व्यक्ति मृत्यु की उसकी मृत्यु होती है, तो ऑपरेशन के द्वारा दानी व्यक्ति की आंखें जरूरत व्यक्ति को लगा दी जाती हैं। एक तरह से आप भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आए दिन हम देखते हैं कि लाखों लोग मरते हैं, आप देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं हजारों लोगों के। एक तरह से इन लोगों की अगर आंखें, मतलब इनके दान, जो भी अंग अपना दान करें, तो लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है इनके दान अंगों से। अब जैसे उनकी तो देखिए जिंदगी खत्म हो ही गई, अगर कोई मर जाता है एक्सीडेंट में, तो आप देखेंगे उनकी तो जिंदगी हो ही खत्म, लेकिन इनके एक तरह से दान से आप देखेंगे कई लोगों की जिंदगी भी संभाली जा सकती है। आप देखते भी हैं कई लोग दान भी करते हैं इस तरह के। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 12 जून की विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। ऊधम सिंह शहीद दिवस कब मनाते हैं? 13 जून को। ऊधम सिंह शहीद दिवस कब मनाते हैं? 13 जून को। फिर आप देखेंगे विश्व रक्तदान दिवस, आप ये भी कर सकते हैं, आप साल में एक आध बार दे भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। विश्व रक्तदान दिवस कब? 14 जून को। प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रक्त के अपने जीवन बचाने वाले कारकों के लिए स्वैच्छिक आवेदन रक्तदाता दाताओं का ध्यान धन्यवाद करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह दिवस आवश्यक रोगियों के लिए रक्त रक्त उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित रक्तदान की जरूरत के बारे में एक तरह से जानकारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दें कि रक्तदान दिवस 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थापित किया था। एक बात और आपको बता दूं कि WHO की स्थापना यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी 1948 में। आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी आप लोग मनाते हैं। वैसे आप 1997 में देखेंगे इसे कि एक लक्ष्य रखा गया था, रक्तदान नीति भी बनाई गई थी, और 24 देशों ने उस समय आप देखेंगे कि इसे अपना मतलब स्वीकार भी किया था। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय सूचना का अधिकार दिवस 2005 से मनाया जाता है 15 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस ये 16 जून को, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस 16 जून को। फिर आप देखेंगे विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को। विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। हर साल 17 जून को रेगिस्तान से निपटने तथा सार्वजनिक जानकारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सूखा अकाल मुकाबला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 जून को विश्व सूखा मुकाबला दिवस आयोजित करना प्रस्तावित किया गया था। 1995 में पहली बार विश्व सूखा काल मुकाबला दिवस मनाया गया था। यह दिवस मुख्य रूप से अफ्रीका में गंभीर रेगिस्तान और सूखे का सामना करने के लिए लोगों को जानकारी हेतु मनाया जाता है। तो याद रखना 17 जून को विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं आप। फिर आप देखेंगे 18 जून को, अगर आपसे पूछे 18 जून को क्या मनाया जाता है, तो ये देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को। आप देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस, महारानी
लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस कब मनाते हैं? 18 जून को। ग्वा क्रांति दिवस 18 जून को। ग्वा क्रांति दिवस 18 जून को। विश्व एथनिक दिवस 19 जून को। विश्व एथनिक दिवस 19 जून को। फिर आपसे पूछे गए कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो ये देखेंगे हर साल आप देखेंगे 20 जून को मनाया जाता है। हर साल 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस की दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस पूरी दुनिया में शरणार्थियों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। ध्यान दें कि 4 दिसंबर 2000 सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प 55 76 के द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का प्रस्तावित किया था, और 2001 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया गया था। तो याद रखिए, घोषणा हो चुकी थी आपकी 2000 में, लेकिन आप जानते हैं कि 2001 में ये पहली बार मनाया गया था, ठीक है, 20 जून को, ठीक है। अगर विश्व संगीत दिवस की अगर पूछे तो ये देखेंगे आप लोग कि 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे 21 जून को मनाया जाता है। संगीत की विभिन्न खूबियों की वजह से कि विश्व में संगीत का नाम एक दिन है, एक या संगीतज्ञों व संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात भी होती है। और विश्व संगीत दिवस को फेटी डी ला म्यूजिक के नाम से आप भी आप लोग जानते हैं। इसका अर्थ होता है म्यूजिक फेस्टिवल। इसकी शुरुआत 1982 में शुरू हुई थी। कब? 1982 में शुरू हुई थी, ठीक है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप देखेंगे 21 जून को ही मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना दिवस 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये आप देखेंगे 23 जून को ही मनाया जाता है। आप देखेंगे 2000 सन 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस पर उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो मानवता की सेवा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा संस्थानों में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए योगदान देते हैं। एक तरह से उनके सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं। कब? 23 जून को। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को ही मनाया जाता है। आप देखेंगे कि वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस 24 जून को। वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 26 जून को। सभी प्रकार का नशा को समाप्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार विरोधी दिवस, ये भी आप देखेंगे कि 26 जून को ही मनाया जाता है। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आप देखेंगे 26 जून को मनाया जाता है। कब? 26 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये आप देखेंगे 29 जून को मनाया जाता है। कब? 29 जून को। भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक नियोजन तथा नीति तैयार करने में आंकड़ों के महत्व के प्रति लोगों को जानकारी हेतु मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सांख्यिकी प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्रों में प्रोफेसर प्रशांत चंद महाल नोबिस के योगदान को भी स्मरण करता है, यानी कि याद करता है। ध्यान दें कि भारतीय केंद्र सरकार ने 2007 में पहली बार सांख्यिकी दिवस मनाया था, ठीक है। 29 जून को आप लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिए। फिर आपका संथला ह्यूल क्रांति दिवस 30 जून को। संथला ह्यूल क्रांति दिवस 30 जून को। विश्व पिता दिवस जून का तीसरा रविवार आप देखेंगे विश्व पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जून का तीसरा रविवार विश्व पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे आपके जून महीने के महत्वपूर्ण दिन और जिस रूप में मनाए जाते हैं। अगर कोई छूट गया है तो फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग नीचे लिख सकते हैं, इसमें घमंड वाला कोई भी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझसे भी गलती होती है और छूट जाते हैं, और आप देखते हैं नए नए जुड़ते रहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि नए नए जोड़ के क्या होते हैं और बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें भी आप लोग लिख सकते हैं नीचे। और खुला हुआ है, एक परिवार की तरह हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जून खत्म हो गया, जुलाई की हम लोग बात करेंगे।